और रणधी ने एक शेरनी को एक लकड़ी पर डाल रखा था और वो उसे काटने का ऐलान कर रहा था। अगर है किसी में हिम्मत इसको बचाने की तो आओ मेरे सामने। तब सूर्यवर्धन जानवरों को हटाते हुए जाकर रणधीर के सामने खड़ा हो गया। हाँ मैं हूँ, मैं बचाऊंगा इसे। कौन है तू और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे सामने खड़ा हो गया? अरे ये तो वही गोरी का बेटा है। सूर्यवर्धन जरूर एक महान योद्धा बनेगा, ये एहसास मुझे इसके जन्म पर ही हो गया था। याद नहीं आया तो मैं तुझे बताता हूँ। याद कर, आज से 20 साल पहले तपती गर्मी में 10 जानवरों का काम तूने जिस एक शेरनी से करवाया था, मैं उसी का बेटा हूँ। और यही करेगा तेरा सर्वनाश। तू मुझे खत्म करने आया है। लेकिन तभी रणधीर की नज़र आसमान में पड़ती है तो वो बिल्कुल चुप सा रह जाता है।